नमस्कार, मैं हूं प्रखर। आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आना शुरू हो गई है, जहां एक ओर कांग्रेस के कुछ नेता यशपाल आर्य के बाजपुर से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके बाजपुर से टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करने का ऐलान किया है। हालांकि पिछले दिनों बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में लौटे आर्य पहले दो बार इसी सीट से जीत चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 से पहले स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे नाराज दिख रहे हैं। बाजपुर में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जहां एक तरफ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनीता टमटा के समर्थक पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बाजपुर से चुनाव लड़ने पर यशपाल आर्य को काले झंडे और डंडों से विरोध करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के समर्थक यशपाल आर्य के बाजपुर से ही चुनाव लड़ने की बात करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में घर वापसी और बाजपुर से ही चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद बाजपुर में टिकट को लेकर जंग छिड़ गई है, जिसके चलते बीते दिन पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनीता टमटा के समर्थक में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बाजपुर से चुनाव लड़ने पर काले झंडे और डंडों से विरोध करने का ऐलान किया था। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरेंद्र सिंह लाड़ी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बाजपुर से ही चुनाव लड़ने की बात कही गई। साथ ही बैठक के दौरान हरेंद्र सिंह लाड़ी ने कुलविंदर सिंह किंदा के बयान को भाजपा की राजनीति बताया और साथ ही कुलविंदर सिंह किंदा की ओर से यशपाल आर्य को लेकर दिए गए बयान पर निंदा व्यक्त की। इस दौरान हरेंद्र सिंह लाड़ी ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य कुमाऊं की टिकट बांटने का दम रखते हैं, ऐसे में बाजपुर से उनकी टिकट काटना असंभव है। वहीं उन्होंने कहा कि टिकट की दावेदारी करना सबका अधिकार है, लेकिन अपशब्दों का प्रयोग करना मर्यादा का उल्लंघन है। यशपाल आर्य जी, मैं आपके प्रेस के द्वारा कहना चाहता हूं कि वो बाजपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। जो इतनी हैसियत रखते हैं कि कमाईयों में टिकटें बांटेंगे, वो अपना बाजपुर से ही लड़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो ये लोकतंत्र है, सबको मांग का हक है, टिकट मांगे, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि जिस तरह उन्हें अपना अपशब्द बोले उनके खिलाफ। जान से मारने वाली बात भी आई कि घरों में जाओगे तो अपनी जान बचाना, तो ये निंदनीय है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो पीछे किंदा ने बोला, उसके पीछे शख्स बीजेपी नेताओं का आता है, क्योंकि मैं एक आपको और भी कहना चाहता हूँ कि यशपाल आर्य जी ने अगर कांग्रेस में अपने घर वापसी की, विचार नहीं मिले आए, उसमें उनकी सिक्योरिटी हटाई गई, मेरी सिक्योरिटी हटाई गई, जबकि 1996 से मुझे पूरी सिक्योरिटी दी गई, क्योंकि हमने आतंकवाद का मुकाबला किया, हमें हमारे झगड़े भी हुए, हमें गले भी कहीं पड़े राजनीति में, लेकिन आज तक सिक्योरिटी वापसी की सरकार तो बीजेपी की भी आई, कांग्रेस की भी आई, और बदले की भावना से हमारी सुरक्षा हटाई गई। मैं माने मुख्यमंत्री को, गृह सचिव को और डीजीपी साहब को आज लेटर भेजा है कि अगर यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य जी या मेरी कोई जान माल को बात हुई, तो उसकी सारी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की।